अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पटना हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट में जनाब वकील और जज के दरमियान बातचीत चल रही है, जो वीडियो बनाते हैं अक्सर। तो देखते हैं वीडियो कैसी है और अपना बयान पढ़ देंगे। कॉर्नर करते हैं, 3 2 1 यू स्टार्ट। You are reading in Hindi. Do you think that I will understand? Why you want to read unnecessary? Sir, again you are submitting in Hindi. I am not able to understand. हुजूर यही तो रोना है, हम भी अंग्रेजी नहीं समझ रहे हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 26 और 27 के अधीन। You are reading in Hindi. Do you think that I will understand? Why you want to read unnecessary? भाई जो किताब हुजूर को हमने दिया है उसका हिंदी अनुवाद प्रकाशित हुआ है विधि साहित्य प्रकाशन विधायी विभाग से। तो हुजूर पैरा 101 और 102 हुजूर देखा जाएगा, उसमें इसी का अंग्रेजी। सर अगेन यू आर सबमिटिंग इन हिंदी, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। हुजूर यही तो रोना है, हम भी अंग्रेजी नहीं समझ रहे हैं। गुड, नो आई हैव रिजेक्टेड योर पिटीशन। नहीं नहीं, रिजेक्टेड तो फुल बेंच के लाइट में हुजूर रिजेक्ट करना था। फुल बेंच 138 फुल बेंच हिंदी के पक्ष में है, सब लोग फुल बेंच पढ़ रहे हैं, सब लोग हिंदी सुन रहे हैं। Your case is already over. I have called the next case. नहीं तो बिना सुने हुए हुजूर आगे बढ़ने का नियम नहीं है। पहले सुन करके हुजूर को आगे बढ़ना है। इस तरह से मतलब आज से हिंदी में नहीं हो रहा, आज भी पटना हाई कोर्ट में सब न्यायमूर्ति सुन रहे हैं। अब हुजूर कह रहे हैं कि अंग्रेजी अनुवाद आप ही दीजिए। सर हम तो कह रहे हैं कि अनुवादक विभाग से मांग लिया जाए। अनुवादक विभाग यहाँ है, आजादी के पहले से है। उनको जो तनख्वाह मिलता है उसमें हमारा हिस्सा है, हमारे वकील का हिस्सा है। तो उससे मांगने में हुजूर को क्या जाता है? ये तो न्याय संगत बात हम बोल रहे हैं। हम अंग्रेजी नहीं जानते हैं, हमसे अंग्रेजी अनुवाद हुजूर मांग रहे हैं। तो वो एक डिवीजन बेंच का हम ऑर्डर दिखा रहे हैं, उसको विचार में लेकर के हुजूर आदेश पारित कर दिया जाए। वो हम लगाए हुए हैं एनेक्सर में, बस इतना ही तो हमारा प्रेयर है। जिस तरह से हुजूर कह रहे हैं कि अंग्रेजी अनुवाद दीजिए, उसी तरह से कहा गया था। मैंने निवेदन किया कि एक बार फुल बेंच को ठीक से सुन लिया जाए। सुना गया, सुनने के बाद पाया गया कि जो हिंदी में फाइल किया है उससे जबरदस्ती अंग्रेजी अनुवाद नहीं लिया जा सकता है, और चूंकि यहाँ अनुवादक विभाग है तो उससे मांगने में है, और वो मांगा गया, देखा जाएगा। सर डोंट गिव लेक्चर। सर व्हाट एवर द सबमिशन यू वांट टू मेक, यू रिस्ट्रिक्टिव विद रेफरेंस टू योर पिटीशन। तो हमारा सबमिशन यही है कि स्वर्ण सिंह बग्गा केस पूर्ण पीठ से संपुष्ट हुआ है, जो ये कहता है कि किसी व्यक्ति पर हिंदी में आवेदन दाखिल करने में कोई वर्जन नहीं है और न ही हिंदी में तर्क रखने में कोई वर्जन है। जहां तक अंग्रेजी अनुवाद वसूलने का सवाल है तो वह आवेदक से वसूलने की अनिवार्यता नहीं है, वह अनुवादक विभाग से भी किया जा सकता है। हुजूर हमने इसके लिए आवेदन भी दाखिल किया है कि अनुवादक विभाग से अंग्रेजी अनुवाद मांग लिया। बोले जज साहब, कॉल नेक्स्ट केस। यू आर रीडिंग इन हिंदी, डू यू थिंक दैट? ये वीडियो खत्म हो गई, राज का केस तो भाई अजीबोगरीब ही हो गया। क्यों अजीबोगरीब हो गया भाई? जज साहब बोलते हैं हमें हिंदी समझ नहीं आती, वकील साहब बोलते हैं हमें इंग्लिश समझ नहीं आती। जज कैसे बन गए भाई? हाँ तो सही बात, अब वो बोल वकील बोल भी रहा। इसमें सच्चा तो भाई मुझे तो वकील ही लगा। बिल्कुल भाई, और सच्चा भी वही है। हाँ, कि अगर अपनी जुबान है, उनकी मादरी जुबान है, वो नहीं होगी तो फिर ऐसा तो नहीं। मादरी जुबान है तो फिर क्यों नहीं समझ रहे, क्यों नहीं समझ पा रहे भाई साहब? इंडिया में कोई एक आधी जुबान थोड़ी है, तो हर स्टेट की जुबान है, तो उसके हिसाब से बनाए गए हैं। कौन सा कानून आज का बन गया या नया कानून है? तो तमाम लोगों की ये जो हिंदी स्पीकिंग जज के ऊपर वो चला जाएगा केस, तो इसका यही हाल होगा। ट्रांसफर कर सकते हैं वो, नेक्स्ट केस कर दिया। अब ये ऐसे कर सकते हैं कि ट्रांसफर कर दे किसी दूसरे जज के पास, के ये जो इसको अच्छे से समझ हिंदी को अंडरस्टैंड करे। बिल्कुल, लेकिन ये भी होता है कि जज जो जज की भी कैटेगरी होती है, तो इसी कैटेगरी के जजों के सामने मर्डर केस का होता है, कोई लड़ाई झगड़े वाला होता है, कोई तलाक वाला, संबंधी जजाद रो, हाँ वो हर किस्म के जज अलग-अलग कैटेगरी होती है। तो ये जब जो जज थे जिस मामले में इनको बुलाया गया, तो वो ये इस कैटेगरी में आते होंगे, लेकिन वो अलग बात है कि भाई हिंदी नहीं आ रही इनको। एक दफा ना भाई मेरे साथ ना ऐसा हुआ था कि
उस वक्त ना शुरुआत में ना मोटरसाइकिल जो है वो कम थे, किराए के ऊपर वो मोटरसाइकिल मिलते थे शुरुआत में, तो मेरे ख्याल में 20-30 रुपए थे एक घंटे के, 30 रुपए थे एक घंटे के। तो हमारा एक दोस्त आया था इधर, उसके साथ वो ना बिल्कुल अंधा बंदा, बिल्कुल अंधा था लेकिन बोलता था, आंखों से दिखाई नहीं देता, आंखों से दिखाई नहीं देता था, बोल सकता था। और मजे की बात ये है कि जिसको मोटरसाइकिल जिस कहते हैं ना दुकानों जो रेंट पे देता था मोटरसाइकिल, वो बहरा बिल्कुल बहरा था लेकिन उसको दिखाई देता था। अभी वो दूसरे गांव से आया था, मेरा तो जान पहचान नहीं थी, मुझे पता नहीं था। तो इधर दोस्त आए, वो उतर गया और कहता है इस अंधे को छोड़ो घर। हालांकि वो अंदर समझदार था, उसको पता था कि वो किधर किधर जाना है। तो मुझे वो चौक बताया कि इस चौक अंदर को अंधे को छोड़ देना और ये जो फलां फलां दुकान है उसके ऊपर वो मोटरसाइकिल दे के आ जाना। तो मैं गया, मैंने कहा कोई मसला नहीं। शुरुआत में भाई साहब अब देख ले हमारी मेरी बेवकूफ़ी के शुरुआत में ना मोटरसाइकिल का चलाना सीखा था, तो शौक इतना था कि भाई एक तरह से मैंने मोटरसाइकिल पे जाना था, दूसरी तरह से पैदल आना मोटरसाइकिल चलाने का शौक पूरा हो जाएगा। तो वो जी मैं गया और ये जो अंधा ये बोले इतना टाइम हुआ है, वो उसको सुनाई वो बहरे का सुनाई ना दे, वो पैसों के लेन देन में फर्क आ रहा था। अच्छा। तो जो हम मुझे बोल के बताया था ना कि इतने पैसे देने हैं, वो कह रहे हैं वो अपनी ठोकी जाए, कहते हैं इतने नहीं देने, इतने देने हैं। अंदाज उसने तो घंटों के हिसाब से चार्ज करना था ना आपसे, वो इशारों से बात करता था ना, वो जो गूंगा था वो गूंगो इशारों से बात करता था, अंधे को समझ दिखता नहीं तो बात तो उनकी हो रही थी आपस में, ये अंधा जो पता कहते करे वो इधर खड़ा यार ऐसा नहीं है, इतना हुआ है यार ऐसे करके इतना हुआ। तो वो उसको समझ नहीं, वो तो बहरा तो उसको समझ नहीं। मैं जी शुरुआत में मुझे नहीं पता चला कि ये ना वो सुनता भी नहीं और अपनी अपनी फेंके जा रहा हूँ, मुझे शुरुआत में समझ नहीं आ रहा था कि ये बहरा है, मुझे पता नहीं लगा। वो ना ऐसे ऐसे करे, मैं का क्या समझ नहीं आ रहा भाई। फिर जो है साथ वाली दुकान से मैंने बंदे को बुलाया, उसने फिर उसके इशारों को समझा और दूसरे को बताया, तकरीबन एक घंटा लगा भाई साहब उनको समझने तब जाके मामला हल हुआ। तो वो सेम करे तुम्हारा तो मामला हल हो गया, लेकिन यहाँ वकील साहब का तो कोई मामला हल नहीं, वो बंदा फंस जाए ना ऐसे लोगों में तो भाई जान छूटती नहीं। तो भाई ये जो हस्ती है क्योंकि ये तो ऊपर लेवल का है, तो ये साहबदार जज को बदल दिया जाएगा जी। क्योंकि अगर वकील या वकील तो बदलेगा नहीं, सही क्योंकि बात उसने केस हो सकता है कि स्टडी केस किया हुआ है ना भाई साहब। हाँ, ये सकता। तो अपनी राय जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन में, एक ऐसी सिचुएशन में क्या होता है। मेरे ख्याल में तो जज जो है वो जो केस है किसी दूसरे जज के पास चला जाएगा जी। या फिर वो ट्रांसलेटर रखना पड़ेगा जज साहब को कि ये जो है वो ये बोल रहे हैं, हो सकता है ना। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इतनी वीडियो के साथ तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।